आप सभी को नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक ऐसा टॉपिक है आजकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कि हर जगह इसकी चर्चा होती है और सारे कंट्री रीजन के लोग इसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं और कुछ कंट्री ने, कुछ इंटरनेशनल फोरम ने इसको रेगुलेट भी किया है। इसी सिलसिले में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार या इस पे एक प्रस्ताव पारित किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। इंडिया ने भी इसका सपोर्ट किया शुरू में। हालांकि इंडिया ने रेगुलेट करने से थोड़ा सा हिचकिचाता था, लेकिन अब इंडियन विजन एआई भी रिलीज हो चुका है ना, अपना एआई करके। उस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, एक बार देख लीजिएगा, फ्रंटियर एआई। तो ऐसा या इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली इस रिजोल्यूशन में है क्या, इस प्रस्ताव में है क्या, जो यूएन, इसको बोला जा रहा है कि फर्स्ट ग्लोबल रिजोल्यूशन, पहला वैश्विक प्रस्ताव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। यूज तो होता ही है, नो डाउट, टेक्नोलॉजी तो ह्यूमन एफर्ट्स को थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना वाला केस, है ना, तो इस तरह करके किसी का आवाज किसी को लगा दिया जाता है, किसी का फोटो किसी को लगा दिया जाता है, तो इस तरह करके इसका मिसयूज भी काफी ज्यादा हो रहा है। तो इस पे यह यूएन ने पहली बार यह रिजोल्यूशन लिया है, प्रस्ताव पारित किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे, बुद्धिमत्ता पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए शुरू करते हैं, यह क्यों चर्चा में है। लेकिन उससे पहले, अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यह क्यों चर्चा में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए, बहुत पावरफुल बॉडी है। इन्होंने फर्स्ट ग्लोबल रिजोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी पहला वैश्विक प्रस्ताव किस पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे, बुद्धिमत्ता पे पारित कर दिया है, एडॉप्ट कर लिया है। अनैनिमसली यानी अनैनिमसली मीन्स किसी ने अपोज नहीं किया है, यानी सारे 193 मेंबर कंट्री ने इसको एस में वोट दिया है। इसको स्पॉन्सर यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने किया है, जबकि कोई स्पॉन्सर और 123 कंट्री है, बाकी लोगों ने इसको वोट दिया है इसमें कि हाँ यह प्रस्ताव पारित होनी चाहिए। अब इसमें क्या किया गया, इसमें इनकरेज किया गया है कि पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक ऐसा मशीन जो ह्यूमन की तरह काम करे उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, है ना। ह्यूमन बिहेवियर की तरह काम करे, ह्यूमन इंटेलिजेंट की तरह काम करे, ह्यूमन की तरह डिसीजन ले, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्लियर, या ऐसा बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है जो कि हमने डाला आर्टिफिशियल, ये भगवान नहीं दिए हम लोग, जो इंटेलिजेंट है तो वह हम लोग को पास बुद्धि है, इसका मतलब रैशनल है, इसका मतलब भगवान ने दिया है। तो यह जो काम करता है डेटा पे करता है, डेटा को ट्रेंड करके इसमें डाला जाता है एल्गोरिथम के माध्यम से, जिसको मॉडल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो होता है किसी का पर्सनल डाटा का भी मिसयूज हो जाता है, तो इसको बात किया गया कि इसको भाई सुरक्षा किया जाए, है ना, और जो भी एआई से रिस्क है, खतरा है, उसको मॉनिटर किया जाए, खत्म करें, मॉनिटर किया जाए कि क्या क्या खतरा है ना। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए, इसमें बात किया है इस रिजोल्यूशन में, यूएन के रिजोल्यूशन। अब इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम हाईलाइट देखेंगे इस रिजोल्यूशन का कि क्या क्या बात हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है और अभी कितने स्टेज में यह चल रहे हैं। चलिए देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप लोग समझ गए, वैसा मशीन जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनका अभी तीन स्टेज चल रहा है, चौथा स्टेज भी है लेकिन वो अभी इन्फांट स्टेज में है। तीन स्टेज चल रहा है मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वैसा कंप्यूटर जो ह्यूमन इंटेलेक्ट और बिहेवियर को इमिटेट करे, यानी उसी तरह काम करे। जैसे आप देखिए, गूगल में अगर कोई चीज आप टाइप करते हैं कहीं भी, तो अगर कोई एक वर्ड मान लीजिए ए एन टाइप किए, तो बहुत सारा ए एन आई एल अनिल ए ए एन और भी करके बहुत सारे वर्ड आपको सजेस्ट करेगा, है ना। तो यह क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपको सजेशन कर रहा है क्या कि इसके बाद कौन कौन से वर्ड होंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो होता है थोड़ा और इंटेलिजेंट बनाने के लिए मशीन लर्निंग डाला जाता है, उस मशीन लर्निंग यह सबसेट है इसका, इसी के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे डेटा डाल दिए जाते हैं इसमें, उस डेटा को ट्रेंड किया जाता है। अब डेटा क्या होता है, डेटा मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट होता है, डेटा इमेज भी हो सकते हैं, डेटा ऑडियो भी हो सकते हैं, डेटा वीडियो भी हो सकते हैं, इस सभी को कंप्रेहेंसिवली डेटा बोलते हैं, है ना। तो यह डेटा को ट्रेंड किया जाता है और ट्रेंड करके एल्गोरिथम के माध्यम से उस मशीन में डाल दिया जाता है। जैसे आप अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी चैटबोट आ रहे हैं, जैसे GPT हम लोग बना रहे हैं, हनुमान जैसे ओला वाले बनाए हैं कृत्रिम। तो यह क्या है, मशीन लर्निंग से उसमें डेटा फीड किया जाता है और उस डेटा के माध्यम से वह एनालाइज करके आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है। जैसे मान लीजिए कि बैंक में कोई है, अब पासबुक कैसे बनवाएं, अब पासबुक कैसे बनवाएं इसका बहुत सारे आंसर उसमें डाले रहेंगे, वही आंसर को आपके क्वेश्चन को देख के वह आपको जवाब दे देगा। यह मशीन लर्निंग का काम है, ठीक। थोड़ा सा इसे इंटेलिजेंट ही हो गया, है ना। अब उसके बाद में आता है, अब ह्यूमन बीइंग क्यों इतना बुद्धिमान है, चूंकि उसमें ब्रेन है और ब्रेन में न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब यह न्यूरॉन कैसे काम करता है इसको हमने अध्ययन किया, इसको साइंटिस्ट ने अध्ययन किया और इसी के जैसे इसमें इनपुट किया डेटा को, यानी वह ऐसे काम करेंगे जैसा हमारा न्यूरल नेटवर्किंग काम करता है, हमारे ब्रेन का न्यूरॉन काम करता है, तो यह सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, है ना। जैसे अभी केरला में आपने, मैं एक वीडियो भी बनाया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टीचर बनाया गया है, बहुत सारे ऐसे रोबोट है जो बहुत आर्टिफिशियली आपके काम कर जवाब देंगे, आप बहुत सटीक आपके जवाब देंगे, एज लाइक ह्यूमन बीइंग जवाब देता है। अभी डीप लर्निंग के माध्यम से भी डीप फेक वीडियो का आपने नाम सुना होगा, फोटो का नाम सुना होगा, है ना, किसी और का फोटो है और लगता है कि कोई और है, तो यह सारे काम डीप लर्निंग से होते हैं। आ गया बात समझ। तो तीन स्टेज इसके हैं। अब यह जो मशीन लर्निंग आप समझ गए कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, एल्गोरिथम मॉडल और आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है, न्यूरल नेटवर्क भी समझ गए क्या होता है कि ऐसा न्यूरॉन जो ब्रेन में न्यूरॉन होता है उसी के तरह यह डिजाइन किया जाता है, यानी इमिटेट करता है न्यूरॉन इन द ब्रेन की तरह, लेकिन लैंग्वेज के लिए उसमें डाला जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तभी तो आप क्या बोल रहे हैं वह मशीन समझता है और आप ही के लैंग्वेज में वह आंसर भी देता है ना। जैसे अभी ओला का कृत्रिम है तो वह 20 लैंग्वेज समझता है ना। तो इस तरह के या आपके स्पीच को अंडरस्टैंड करता है और उसी में उसको अंडरस्टैंड करके एनालाइज करता है आपके डॉक्यूमेंट के जिस भी भाषा में दे, तो ये क्या कौन काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, और इसी पे रोबोटिक्स बनता है ना, जो कि यह काम करता है ऐसा जैसा ह्यूमन बीइंग काम करते हैं। क्लियर। अब हम आ रहे हैं, ये तो थोड़ा सा आप समझ गए, अब इससे क्लियर हो जाएगा कि रिस्क क्या है और इसको क्यों डेवलप करना भी जरूरी है, लेकिन इसमें रिस्क को मॉनिटर करना भी जरूरी है। अब आते हैं इसके हाईलाइट पे। इस प्रस्ताव का हाईलाइट क्या है, किस प्रस्ताव, UN का रिजोल्यूशन। पहली बार ऐसा हुआ है कि UN ने AI पे रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया और सारे कंट्रीज को वोट दिए, अनएनिमसली एडॉप्टेड, यानी कोई अपोज नहीं किया है, कोई अब्सेंट नहीं हुए हैं इसमें, है ना। तो इसमें बताया गया कि जितने भी मेंबर स्टेट है 193 अभी जीते, सभी रीजन के सभी कंट्री जो भी, ये इसके अलावा कंट्री के प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, ये सारे लोग एक डेवलप करे रेगुलेटरी अप्रोच जिसमें बताया जाए कि AI से कैसे सेफ हो सकता है, यानी AI को यूज करने पे पाबंदी नहीं है लेकिन सेफली यूज की बात किया जा रहा है, यानी सेफ्टी भी इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। हम लोगों ने भी GPAI न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इस पे भी मैं वीडियो बनाया हूं, देखिएगा, उसमें हमने सेफ्टी के अलावे उसको इनोवेशन पे भी बात किया है ना, और इसके अलावे डेटा पे ज्यादा जोर दिया, डेटा इज फंडामेंटल, है ना, जो कि डेटा पे जोड़ दिया गया, और इस डेटा से क्या होगा, किसी का फंडामेंटल राइट, किसी का प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फेशियल रिकॉग्निशन है, फेशियल रिकॉग्निशन से किसी के फेस को रिकॉग्नाइज करके आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका तो प्राइवेसी खत्म हुआ, है ना।
तो इसके अलावा फ्रीडम होता है, ह्यूमन राइट होता है, ये सबको रेस्पेक्ट होना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। और एआई सिस्टम का सारे लाइफ, पूरे लाइफ साइकिल में इसको प्रमोट करने की बात किया गया है ना। सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसा आगाह किया गया है कि आपने एफर्ट लगाइए, रिसर्च कीजिए, है ना, मैपिंग और एनालिसिस कीजिए कि बेनिफिट एआई का ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन उसका जो रिस्क है उसको मॉनिटर किया जाए, क्योंकि यह इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसे आप भाग नहीं सकते। अगर डेवलपमेंट करना है तो इसको अपनाना पड़ेगा, तो इसको मॉनिटर करके आप अपनाइए। क्लियर। अब यूएन से पहले भी बहुत सारे रिजोल्यूशन लिए हैं, जो कुछ में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन एक्ट, सबसे पहले इन्होंने एआई को रेगुलेट करने की बात की। उसके बाद में ब्लेजली डिक्लेरेशन, या पहला ऐसा डिक्लेरेशन है, वीडियो में बनाया हूं, इन स्क्रीन में भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा, जो कि एआई के सेफ्टी पे बात करता है, या केवल सेफ्टी पे बात करते हैं। ब्लेजली यूके में है, ब्लेजली वह स्थान है जहां पहली बार सुपर कंप्यूटर शुरू हुआ था, है ना, यूके में है, तो यह सेफ्टी पे बात करता है। उसके बाद न्यू दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई यानी जीपीएआई, इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, या 2020 ग्लोबल 2020 में जब पेंडेमिक था उस समय इसका स्थापना हुआ था। पहला ऐसा एआई है जो इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे आ रहा है उस समय। अब इसका जो न्यू दिल्ली यानी इंडिया इसका अध्यक्ष था, तो इसका न्यू दिल्ली में इसका अध्यक्षता हुआ, इसका मीटिंग हुआ, इसमें एक डिक्लेरेशन किया गया, उसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नाम दिया गया। इसमें एक इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें सेफ्टी तो है, लेकिन इसके अलावा इस पे जोर दिया गया कि इनोवेशन करो भैया। सेफ्टी तो ठीक है, लेकिन एआई में और इनोवेशन करो। लेकिन इसमें इनोवेशन की बात नहीं थी, मैं केवल सेफ्टी पे बात थी, इसमें केवल रेगुलेट करने की बात थी, यही सब अंतर है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो एआई पे जो पहला है यूरोपियन यूनियन, फिर ब्लेजली डिक्लेरेशन, और इंडिया का है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। क्लियर। और इसके बाद ये आया है यूएन का रिजोल्यूशन ऑन द एआई। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। सो अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।